हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं मोहम्मद तंजीम। दोस्तों, आज एक और डेटा एंट्री की जॉब मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। और यहां पे जो डेटा एंट्री का काम है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब अगर आप लोग ने 12th क्लास जो है पास किया है, और या फिर आप लोग ग्रेजुएट हो, आप लोग के पास जीरो एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो। और कंपनी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे डेटा एंट्री के जो जॉब्स होते हैं उसमें आप लोग को लैपटॉप की ज़रूरत होती है। मोबाइल से उतना काम नहीं हो पाता है, कंपनियां लैपटॉप मांगती हैं। और यही समस्या आती है दोस्तों कि आपके पास लैपटॉप नहीं होता है, उसका इंतजाम नहीं हो पाता है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ये अच्छी खबर सुना रहा हूं कि यहां पे जो कंपनी है वो खुद आप लोगों को डेस्कटॉप लैपटॉप खुद प्रोवाइड करती है, आपके घर पर प्रोवाइड करती है, आप घर से भी काम कर सकते हो। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो ये कि जो इंटरनेट का खर्चा आता है उसका रीइंबर्समेंट टोटली तरीके से वो कंपनी खुद ही करती है। मतलब आप लोग जितना इंटरनेट खर्चा करोगे, जो भी काम करने में कंपनी के, वो सारा का सारा रिम्बर्स हो जाएगा, पैसा आपके जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ कि इनके जो पर्स एंड बेनिफिट्स हैं और भी चीज़ें जैसे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो खुद करवाते हैं। मतलब आप लोगों को कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। एक बार आप उसमें सेलेक्ट हो गए, जॉब में चले गए, उसके बाद सारा का सारा जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो आपको ट्रेनिंग देती है, उसके बाद आप लोग आराम से उस पर काम कर सकते हो। तो इतना सब कुछ है दोस्तों वीडियो में। मैं आप लोग के लिए आज बहुत ही बेहतरीन चीज़ लाया हूँ। बस आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, ताकि आप लोग एक एक अच्छी तरीके से समझ सको। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। दोस्तों, यहां पे जो कंपनी है वो है कैपिटा। कैपिटा आप लोग में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कैपिटा काफी अच्छी कंपनी है और इसके आप लोग रिव्यूज भी यहां पे देख सकते हो। यहां पे जो रिव्यू है, जो पहले भी यहां पे यूजर्स ने काम किए हैं उनके द्वारा ये दिया गया ये एक रिव्यू है, तो आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हो ये अच्छी कंपनी है। बेफिक्र होकर आप इसमें जॉब में अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें ये जो आप लोग को रोल मिलेगा वो टेलीकॉम का आप लोग का मिलेगा, टेलीकॉम प्रोसेस का आप लोग का काम रहता है। और बेसिकली इसमें डेटा एंट्री का काम होता है। मतलब आप लोगों को डेटा एंट्री से डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल जो है आप लोग को दिमाग जाना चाहिए एक्सेल शीट में। मतलब अगर आप लोग एमएस एक्सेल शीट में आप लोगों को अच्छी तरह से कमांड है तो आप लोग इस जॉब के लिए बिल्कुल सुटेबल हो। और आजकल अगर आप लोग एक्सेल शीट नहीं भी जानते हो काम करना, तो यूट्यूब में तमाम ऐसे वीडियोज पड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं कि आप आराम से जाके एक्सेल शीट को विद इन 1 वीक आप लोग सीख सकते हो और यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों बिल्कुल डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे काम करना है, काम का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा। तो यहां पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, यहां पे कुछ 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छी तरीके से यहां पे बता देता हूं। प्रिपेयर, कंपाइल एंड सॉर्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर डेटा एंट्री फीडिंग। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जाहिर सी बात है दोस्तों कंपनी के पास जो डेटा आता है वो काफी ज्यादा होता है, तो आप लोगों को उसको मैनेज करना है, कंपाइल करना है, कलेक्ट करना है एक्सेल शीट में, उसको अच्छे तरीके से डेटा को फॉर्म करना है, उसको सम एवरेज जो भी चीजें होती हैं उसको कैलकुलेट करके उसमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना होता है डेटा को। उसके अलावा चेक सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्यूरेसी। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को मिलता है, सपोज एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया और बोला कि इसमें से मुझे डेटा निकाल के एक्सेल शीट में दो, तो सबसे पहले आप लोग को उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो आपको उसमें नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को जॉब में बताई जाती हैं। वेरीफाई डेटा एंड करेक्ट डेटा वेर एवर नेसेसरी। सारी डेटा को आप लोग को हर जगह चेक करना है कि ये कहीं गलत तो नहीं है हर एक स्टेप पे। ऑब्टेन फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट आपके लिहाज से जो है इनकम्प्लीट है, उसमें पूरा डेटा नहीं है, तो आप लोग को दूसरी टीम को अप्रोच करना है, आपसे हायर या फिर जो भी उस चीज़ के बारे में जानता है, ताकि पूरा कंप्लीट डेटा आप लोग को मिल जाए। उसके अलावा अपडेट डेटा एंड डिलीट अननेसेसरी फाइल्स। जो डेटा इनकम्प्लीट है या अपडेट नहीं है उनको आप लोग को अपडेट करना है। और कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिनका यूज़ नहीं होता है लेकिन वो पड़ी पड़ी स्टोरेज में लेती हैं जगह लेती हैं, उनको आप लोग को डिलीट करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए, मतलब आप लोग को जॉब में बता दी जाती हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे कंबाइन एंड रीअरेंज डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स वेर वेर रिक्वायर्ड। कई सारे सोर्स मतलब कई सारी फाइल्स आप लोग को मिलेंगी, वहाँ का डेटा आप लोग को लेके कंबाइन करना होता है, कलेक्ट करना होता है, जिससे मैंने पहले आप लोग को बताया है। उसके अलावा प्रोसेस द डेटा फॉर प्रोसेसिंग फर्दर एक्शन। जैसे कि आगे जो डेटा होता है हम किसी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, कहीं किसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, उन डेटा को हम लोग को उस सूटेबल जगह पे हम लोग को भेजना होता है। अभी आप लोग को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे पॉइंट मैं कैसे कर पाऊंगा जॉब में, आपको अभी चिंता जो करनी है सेलेक्ट होने की करनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जो एंड में आप लोग को बताऊँगा किस तरीके से क्या पॉइंट्स को रखनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अभी की ये चिंता आप लोग छोड़ दो, क्योंकि ऑन द जॉब आप लोग को पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कैसे कैसे आप लोग को ये सारे पॉइंट्स आप लोग को करने हैं, तो
उसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। उसके अलावा देखिए, डिजायर्ड कैंडिडेट जो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन आईटी ग्रेजुएट फ्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखे हैं ग्रेजुएट फ्रेशर, यहाँ पे आप लोग को इस पे नहीं जाना है। आप नीचे आप देख सकते हो क्लियरली अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 12th पास हो आप, ग्रेजुएट हो, 0 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी वहाँ पे चेक करते हैं। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है किसी भी तरीके का कोर्स की हो दोस्तों डेटा एंट्री का, मेरी पिछली वीडियोज़ को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ से आप लोग कोर्स देख कर सकते हो। वो कोर्स ज़रूर आप लोग यहाँ पर लगाइएगा, उससे आप लोग को प्रेफरेंस मिलती है, जल्दी से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है कि यूके रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं, मतलब आपको हो सकता है शाम को या 9 बजे तक रात में इस तरीके की शिफ्ट्स होती हैं जो आप लोगों को काम करनी पड़ेंगी, तो वो आप लोगों को रेडी रहना रहेगा उसके लिए। कम्युनिकेशन स्किल आप लोग की अच्छी होना चाहिए, मेनली जो इंग्लिश है इंग्लिश में आप लोग टाइप करना बोलना, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए ताकि आप अपनी बात कम से कम सामने वाले को बता सको, रख सको, उसको कन्विंस कर दो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी होने वाली है, सैलरी बहुत बड़ी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाँ 12th का क्लास के हिसाब से और बिल्कुल फ्रेशर के हिसाब से यहाँ पे 15 से 16 हज़ार रुपये पर मंथ आप लोग को मिलेगा। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि लैपटॉप की चिंता नहीं करनी है, लैपटॉप ये कंपनी खुद देगी, आपका आपका जो इंटरनेट है उसका पूरा रिइम्बर्समेंट करेगी, कोई पैसा आपको जेब से नहीं देना है। उसके अलावा जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देगी आप लोग को, इतने सारे पर्क्स मिला के दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही सूटेबल जॉब है आपके लिए। और कुछ नहीं करना है, एक बार आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा काम कैसे करना है, आप धड़ाधड़ सारे काम कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल दोस्तों, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर मार देना दोस्तों, लाइक मारने से मुझे एनकरेजमेंट मिलती है और मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल वाला और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट्स और ऐसे में ऑनलाइन अर्निंग्स के मेथड्स मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ जो 100% जेन्युइन होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।